अगर आप भी चाहते हैं अपने मौके को हटाने, तो आपको करना क्या है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको लेना है थोड़ा सा चूना, ये जो हम पान में लगा के खाते हैं वही चूना है, मैंने ये बाज़ार से ले लिया था, आपको भी मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से, पान वाली दुकान या कहीं से भी मिल जाएगा। और लेना है थोड़ा सा सर्फ, सर्फ आप कोई भी ले सकते हैं, मगर दोनों को लेना है बराबर की मात्रा पे, जितना आप चूना ले रहे हैं उतना ही आपको सर्फ भी लेना है। तो करना क्या है, आप पहले सबसे पहले इन दोनों को आप मिक्स कर दें, ये देखिए जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, आप भी ऐसे ऐसे करके मिक्स कर दीजिए पहले दोनों को इस तरह से, और फिर हल्का सा इसमें पानी डालिए जिसमें ये मिक्स हो जाए, ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा, हल्की मात्रा में आप पानी मिलाइए और फिर दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। वैसे ही करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों को बराबर की मात्रा में लेकर पानी में मिक्स कर लीजिए और फिर इसको आप इसी तरह रहने दीजिए 5 मिनट तक। अब 5 मिनट हो गए हैं दोनों को मिक्स होते हुए, अब आपको करना क्या है, ऐसे एक टूथपिक ले लेनी है आपको, या आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप कोई मैच स्टिक ले लीजिए, उसे आगे से ऐसे पॉइंटेड बना लीजिए, तीखा बना लीजिए। और फिर आपको करना क्या है, मैंने ये दूसरी टूथपिक ले ली है, पहले वाले से मैंने मिक्स किया था इसलिए मैंने अब दूसरी ले ली है। तो अब करना क्या है, आपको हल्के से ऐसे सीधा करके ना ऐसे इसको लगाना है, और जहाँ आपके मौके हैं वहाँ उसको ये हल्के से लगा देना है, इधर उधर नहीं लगाना है, वरना आपकी स्किन को भी थोड़े से नुकसान हो सकता है, इसीलिए बहुत सावधानी से जहाँ आपके मौके हैं मौके के ऊपर सिर्फ ऐसे हल्का सा इसको लगा देना है। आपको मैं लगा कर दिखाती हूँ, ये देखिए बस ऐसे करके इसको सीधा टच करना है हल्के से, और इसको जहाँ मौका है, मेरे अभी फ़िलहाल तो मौका साफ़ हो गया है, मेरे नेक पे था तो मैं आपको हाथ में लगा कर दिखा रही हूँ, ऐसे करके हल्का से मौके के ऊपर टच कर देना है और 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देना है। तो 2 मिनट के बाद आप जिसको भी लगा रहे हैं या अपने आप को भी, आपको फील होगा कि जैसे कोई चींटी हल्के से आपको काट रही है, तो अगर वैसा फील हुआ फिर आप क्या करें, मौके को वहाँ से जो चूना और सर्फ लगाया है उसको पोंछ दीजिए उसके ऊपर जो चूना लगाया है। फिर अगर आपको कुछ अगर नहीं फील हो रहा है तो आप 5 मिनट तक वैसे ही रहने दें और 5 मिनट के बाद उसको जगह को साफ कर दें। आपको अगर मौके से चाहिए राहत तो आप इसे यूज़ ज़रूर एक बार करके देखें, ये मेरा खुद का अपना आजमाया हुआ तरीका है, आप भी इसे एक बार यूज़ करके देखें, आपको भी पता चल जाएगा। और अगर आपके मौके राय जो कि हम अचार वगैरह में डालते हैं राय, उससे छोटे हैं तो आप पहली बार में ही आपके मौके झड़ जाएंगे, अगर राय के जितने हैं तो हो सकता है आपको 2 बार अप्लाई करना पड़े, और अगर उससे ज़्यादा बड़ा है तो हो सकता है आपको 3 बार, लेकिन अगर राय से छोटे हैं मौके हैं तो पहली बार में ही आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो आप भी ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक बताएं। थैंक यू।